व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? पूरी कंपनी उसी के हाथ के अंदर है, यानी कि ये समझ ले कि हम जो उस कंपनी का बॉस को किल करने वाले हैं, आज उसका मर्डर करने वाले हैं। तो गाइस इस चीज के हमें पेमेंट मिलने वाली है, पैसा ही पैसा होगा। देखते कितनी पेमेंट मिलेगी। तो गाइस ये सारा कुछ जो है हमें काम देने वाला है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो आपको गाइस बताना ही भूल गया, यानी कि जब से अभी हमने गेम स्टार्ट करा है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा, यानी कि जो पूरे गेम का मास्टरमाइंड है, जितने भी यानी कि हार्ड मिशन है इस सारे गेम्स का मास्टरमाइंड जो सबसे ज्यादा जो है वो है लेस्टर भाई। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर फर्स्ट टाइम हम लेस्टर से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, और गाइस फर्स्ट टाइम लेस्टर से हम मिलेंगे और देखते हैं भाई लेस्टर का। आप सभी ने GTA 5 का नाम तो कहीं ना कहीं जरूर ही सुना होगा। तो गाइस इसी GTA 5 के अंदर हमने लेस्टर से आज मुलाकात करेंगे, और लेस्टर भाई ऐसे ऐसे मिशन देता है कि भाई जो हमारी सोच से ही बढ़कर हो सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी मिशन देगा बहुत ही ज्यादा हार्ड मिशन होते हैं लेस्टर के। लेस्टर कोई भाई एक आम जाम बंदा नहीं है, वो बहुत ही बड़ा गैंग का मास्टरमाइंड है। गाइस और उसके बाद इतने इतने पीसी रखे हुए हैं, यानी कि पूरे दिन वो हैकिंग करने में लगा हुआ था, किसी के साथ क्या कर देता किसी के साथ क्या कर देता। गाइस आज देखते हैं भाई कौन सा मिशन देने जा रहा है। लेकिन भाई ये तो मेरे को मालूम है लाइव इन्वेडर कंपनी के बॉस को हम आज किल करने वाले हैं, मर्डर करने वाले। तो गाइस फटाफट से अगर आपने अभी तक मेरे चैनल GTA 5 को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज जल्दी से मेरे चैनल GTA 5 को कर देना सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पर अभी हमने अपने मिशन को स्टार्ट कर लिया, और भाई हमारा गेम अभी लोड हो रहा है, और भाई यहाँ पर ही आगे लेस्टर के पास। तो गाइस ये लेस्टर यानी लंगड़ा है भाई ये, लेकिन काम बड़ा खतरनाक खतरनाक करता। देखो गाइस ये लंगड़ा है, ये व्हील चेयर के ऊपर चलता है या तो भाई लाठी के सहारे चलता ही है। ये देखो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है, और यहाँ पर अभी मायका जी से मिलने के लिए। और गाइस जो आज का मिशन है ना, अभी क्या करने वाला है ये जो है ना, इसके बाद पीसी उसका दिखाता हूँ मैं आपको ना, यानी कि इसका पूरा ऑफिस बना हुआ, बहुत ही ज्यादा डेंजर ऑफिस बना हुआ यहाँ पर। इसके बाद जो कुछ बंदे वगैरह काम कोई भी नहीं रखता, क्योंकि ये जो है किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, सिर्फ माइकल के ऊपर ही भरोसा करता है। माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन, ये तीन बंदे इसी के बंदे हैं, ये तीनों पर भरोसा करता है, इसके अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करता। गाइस ये जो पीसी यूज कर रहा है, इस पीसी के अंदर भाई बहुत ही ज्यादा हैवी सिस्टम इसका ना स्टोर होगा। गाइस ये क्या करने वाला है, इस पीसी के जरिए जो है ना, इस पीसी से लाइव इन्वर्टर कंपनी के जो यानी पीसी वगैरह जितने भी बहुत ही बड़ी कंपनी, और आपको पता हर पानी के अंदर सीपीयू वगैरह की जरूरत होती है, यानी कि पीसी वगैरह की जरूरत होती है। तो गाइस यहां से क्या करेगा, ये एंटीवायरस जो है लाइव इन्वेडर कंपनी के पीसी के अंदर फेंकने वाला है, और हमें क्या आएगा ड्यूटी मिलेगी, ये यानी कि सबको पता बहुत ही बड़ा हैकर है, यानी लेस्टर जो बहुत ही बड़ा जो है ना कंप्यूटर मास्टर है, ये हर चीज का जो सॉल्यूशन है। तो गाइस अभी हम ये लेस्टर करके आ रहा है, लेस्टर जो है ना इसका एंटीवायरस जो है पीसी में इंस्टॉल कर रहा है, चांस होता है कि उनको पता नहीं चले, और सनी यानी पूरी दुनिया को पता है कि भाई लेस्टर इस चीज का हल निकालेगा। इस चीज का सॉल्यूशन लेस्टर के पास ये कि भाई लोगों को अगर अपने पीसी से वायरस वगैरह निकलवाना, एंटीवायरस जो भी आया निकलवाना, तो सारे लेस्टर से ही रابطہ करना है। तो भाई अभी लेस्टर एक चीज का यूज करने वाला, लेस्टर जो है ना यानी लेस्टर माइकल वगैरह सारे काम आ देगा भाई, एंटीवायरस वगैरह किस तरीके से निकालने, तो लेस्टर तो कुछ जा नहीं सकता। तो गाइस अभी इन्होंने बोला वायरस तो इसने भाई फेंक दिया उनका कंपनी का, यानी कि उसका कंप्यूटर के अंदर। लेस्टर के बाद जो अभी कॉल आई थी, तो कॉल के अंदर जो है ना ये बोला कि भाई मेरे को एक बंदा चाहिए जो अब मेरा हमारे एंटीवायरस वगैरह निकाल दे पीसी के अंदर। तो लाइफ इन्वेडर कंपनी में भी माइकल जाने वाला है, तो भाई अभी हम फटाफट जाते हैं, क्योंकि ये सारी डीलिंग वगैरह अभी इससे ये करने में लगा हुए। देखो गाइस अभी जो है ना कंप्यूटर का यूज करके, देखो गाइस अभी सीन करने वाला ही है भाई। ये देखो ये जो है ना वायरस भेजेगा, और वहां पर जाएगा माइकल इसी भाने से, यानी कि उस कंपनी के अंदर घुसेगा। तो वहां पर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, वहां पर अभी जाके हम जल्दी से उनका एक मोबाइल है, यानी ये पूरी कंपनी का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोबाइल है। कुछ ही आधे घंटे बाद जो है ना मीटिंग होने वाली है, अभी सबसे पहले सबरमन स्टोर पे जाना पड़ेगा, वो सबरमन स्टोर आप सभी को मालूम ही होगा, वहां पर हम जो है ना कपड़े वगैरह की परचेजिंग करने जाते हैं, यानी कि मेरे कपड़े बहुत ही ज्यादा थोड़े गंदे हो रहे हैं, साफ सुथरी हालत में जाना पड़ेगा, ताकि जो है ना थोड़ा रोप पड़े। हाँ भाई लेस्टर के बंदे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत साफ सुथरे हैं भाई, यहाँ पे गाड़ी में वगैरह मेरे को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ओ भाई ये खड़ी है, एक तो भाई इस गाड़ी को नहीं लूंगा मैं, सोच रहा हूँ पीछे जो वाली गाड़ी खड़ी है इसको ले लेते हैं। चलो यारी गाड़ी ठीक लग रही है मेरे को, थोड़ी सी लग रहा है कि इसकी स्पीड उससे तेज होगी,
तो गाइस मैंने एसी को ले लेता हूँ और फटाफट से इसके अंदर बैठता हूँ और अब जल्दी जाने को गाइस निकल के जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम करने क्या वाले हैं, अभी हम जल्दी से जाएंगे सबर्बन स्टोर से थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम सीधा जाएंगे लाइफ इन्वर्टर कंपनी और वहां से जाकर उनके पीसी को ठीक करेंगे। लेकिन चुपचाप से हम क्या करेंगे, उनका एक पर्सनली रूम है जो रूम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उस रूम के अंदर यानी कि आधे घंटे बाद जो कोई काउंसलिंग मीटिंग होने वाली है, तो उस काउंसलिंग मीटिंग के अंदर क्या होने वाला है कि उसी मोबाइल का यूज होने वाला है जो इस कंपनी का सबसे बड़ा मालिक है, वो मोबाइल को यूज करेगा। तो यहाँ पे हम क्या सीन करने वाले हैं, उसके उसी मोबाइल के अंदर हम जो है ना बॉम्ब को लगाने वाले हैं। हम बॉम्ब फिट करेंगे जैसे ही वो बंदा कंपनी की मीटिंग के अंदर जैसे ही लेके जाएगा मोबाइल को, हम यहाँ से बैठ के कॉल करेंगे अपने घर से बैठ के। जैसे वो कॉल करेगा, कॉल उठाते एकदम बम फट जाएगा और बंदी की मौत हो जाएगी। तो गाइस ये सीन बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, तो सब कुछ आज की इसी वीडियो में होने वाला है। यानी कि मैंने सारा कुछ आपको बता दिया पहले से, इसीलिए बताया कि भाई अब सीन देखो, यानी स्टोरी तो आपको समझ में आ गई क्या होने वाला है। अब एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है सारा कुछ ये। तो गाइस बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा मतलब मैंने जितनी आसानी से आपको बताया ना उतना आसान ये काम नहीं है, थोड़ा सा हार्ड काम है। लेकिन मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। और बहुत ही ज्यादा भाई जबरदस्त मिशन लगा, क्योंकि स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनाई, क्योंकि लेस्टर जो है ना भाई बहुत बताया ना मैंने आपको, बड़ा खतरनाक मास्टर माइंड है पूरे गेम का ये। गाइस लेस्टर को हल्का मत लेना, बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा हरामी है भाई लेस्टर ना भाई। अभी फटाफट से निकल के जाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो हम हाईवे के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन घर थोड़ा सा इसका जो है ना यानी सबर्बन स्टोर थोड़ा सा दूर है, बट ये क्या आप तुम पहुंचने वाले हैं कार के अंदर यार, थोड़ा सा गाड़ी जो है ना बहुत ज्यादा स्पीड चल रही है। मैं सोच रहा हूँ इनमें से कोई नई कार उठानी पड़ेगी मेरे को ना, ये कार मजा नहीं कर रही यानी थोड़ी स्पीड चल रही है, कोई अच्छी सी कार में उठानी पड़ेगी। ओ भाई वो सामने नजर आ रही है, ये सारी को उठा लेते हैं यार, सोच रहा हूँ मैं भाई ये वाली ठीक लग रही है, नहीं ये ठीक लग रही है इसको उठा लेते हैं, ये थोड़ी साफ सुथरी भी लग रही है। तो थोड़ा सा रोक पड़ेगा भाई, थोड़ी लंबी गाड़ी के अंदर आया इसका बंदा यानी लेस्टर को जो बंदा बहुत ही ज्यादा लग रहा है कोई खतरनाक गाड़ी के अंदर आया, तो थोड़ा रोक पड़ना चाहिए बंदे के ऊपर जो है ना। तो गाइस फटाफट से अभी सबर्बन स्टोर जो बैक साइड पे बना हुआ है इसी रोड के बैक साइड पे फटाफट से जाते हैं और भाई वहां से थोड़ा ड्रेस वगैरह चेंज करता हूँ, ड्रेसिंग देखना आप कैसी करता हूँ, क्योंकि सबर्बन स्टोर जो है ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त स्टोर है और यहाँ पे काफी किस्म के कपड़े मिलते हैं। लेकिन जैसे बहुत सारे इसके अंदर स्टोर बनाया हुआ है, सबर्बन भी है इसके अलावा मेरे ख्याल से अरबियन भी है और एक दो और है इसके अंदर, मेरे नाम ध्यान में नहीं आ रहा। तो उनके पास जो ड्रेसेस होते हैं तो उनसे ज्यादा कहीं अच्छे इनके पास ड्रेसेस होते हैं। देखो इन्होंने बनाया हुआ भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो ये आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ सबर्बन स्टोर। तो गाइस यहाँ पर अभी जल्दी जाते हैं और थोड़ी शॉपिंग वगैरह करते हैं, पूरा जो है ना कांच का बना हुआ इन्होंने। तो कुछ अभी यानी लेस्टर ने वैसे तो इनको खैर बोला हुआ है कि मेरा बंदा आ रहा है, इसको जो भी मांगे इसको दे दो, हम जो भी शॉपिंग करेंगे वो फ्री के अंदर होने वाली है, वो सब लेस्टर इसी के पैसे देगा, हम अपनी जेब से पैसे कोई भी नहीं देंगे। क्योंकि देखो आते ही सबने से पहले जो है इसने जो है ना दुकान के मालिक से बात करी, यानी कि जो स्टोर के ऊपर काउंटर में जो बैठा हुआ है इसी गर्ल से बात करी, अगर चाहता तो भाई अभी इसकी अपनी जेब से खरीद रहा तो ये बात ही क्यों करता, सीधा कोई खरीद लेता ही। तो भाई लेस्टर से मुलाकात वगैरह हुई थी कि भाई मेरा बंदा आने वाला है तो इसको जो भी मांगे इसको सब कुछ फ्री के अंदर दे दो। तो गाइस हम अपनी पसंद से अपनी इसी व्हाइट शॉर्ट को जो मैंने परचेज तो कर लिया, बस ठीक है व्हाइट आला इतना जबरदस्त लग रहा है ये भी वैसे भाई ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो भाई व्हाइट आला मेरे को पसंद आ गया, व्हाइट आला मैंने परचेज कर लिया और यहाँ से जो है ना ये वाली ऑरेंज वाली बड़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन मैं इसको परचेज तो कर लूंगा बट ये मैं लूंगा ऑरेंज वाली ही। ओ भाई ओ व्हाइट वाली भी भाई बड़ी खूबसूरत लग रही है यार, किटिंग अच्छी हो गई व्हाइट वाली ठीक है भाई, ऑरेंज नहीं लेना, ऑरेंज का मेरा प्लान किस में हुआ डिसमिस कर दिया। गो टू द लाइफ इन्वेडर ऑफिस, तो गाइस ये देखो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है लाइफ इन्वेडर ऑफिस में, वो फटाफट से जाना पड़ेगा लाइफ इन्वेडर ऑफिस, आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। और भाई बहुत ही बड़ी कंपनी बनी हुई लाइफ इन्वेडर कंपनी जो है पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी, यानी गेम के अंदर ये दिखाया गया बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी है। तो दिखाता हूँ कितना बड़ा यानी कि इन्हों का ऑफिस है और कितने सारे इन्होंने पीसी वगैरह लगाए हुए हैं, तो काफी जबरदस्त काम चल रहा है। तो अभी लेस्टर को इसने कॉल करके देखो आपके सामने बोल ही रहा है कि यानी कि भाई लेस्टर हमने पहनी है और हमें जाना है ऑफिस के अंदर। तो गाइस ये सीन अभी जल्दी करके लेस्टर को बता रहे हैं और फटाफट हम पहुंचते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई सीन क्या किस तरीके से मैं बॉम्ब को इसके मोबाइल के अंदर जो लगाने वाला हूँ। तो गाइस ये सीन बहुत ज्यादा हार्ड है, अगर पकड़ेगा तो भाई फंस भी सकते हैं तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन भाई लाइफ इन्वेडर कंपनी का जो बंदा है ना वो हमारे साथ मिला हुआ है, यानी कि लेस्टर ने उसको पहले से पैसे देकर अपने बनाया हुआ है। तो गाइस उन सब कंपनी वालों को नहीं पता कि ये बंदा जो है ना
किराए का बंदा बन चुका ही है ना, तो अभी हमने पैसे देकर अपना बना लिया उसको, हमने बंदे को खरीद लिया भाई। हम जो है ना लेस्टर का पैसा बहुत है, तो लेस्टर भाई कुछ भी कर सकता, कुछ भी, समझ रहे हो ना। और उसके अलावा जो भी समझ रहा है वो भी कर सकता, ठीक है ना। तो पैसे की कमी नहीं है लेस्टर के पास। तो गाइस ये है लाइफ इन्वर्टर कंपनी, ये भी गाइस आप देखो बहुत ही ज्यादा बड़ी बनी हुई है, पूरी कांच की बनी हुई है, पूरे में ग्लासेस ने लगाए हुए, गो टू द रियर एंट्रेंस। तो गाइस यानी कि इसका फर्स्ट एंट्रेंस के अंदर से हमें जाना पड़ेगा। और देख रहे हो भाई यहाँ पर कैसा जबरदस्त इन्होंने बनाया हुआ गार्डन वगैरह, कंपनी ने काफी खूबसूरत लुक दिया हुआ इस कंपनी का। देखो लाइफ इन्वर्टर्स यानी कि लाइफ इन्वर्टर कंपनी, यानी कि ये एक इस तरीके से इंश्योरेंस के लिए, ताकि यानी कि इंश्योरेंस वगैरह जो लाइफ की इंश्योरेंस होती है वो यहाँ से की जाती है पूरे गेम के अंदर। तो गाइस ये बंदा है जिसको हमने खरीदा हुआ है, तो गाइस इसी बंदे से डीलिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि लेस्टर ने इसको सारा कुछ बताया हुआ, हम ये चीज करने वाले थे, यही बंदा हमें ऊपर लेकर जाएगा, ये पीसी के पास लेकर जाएगा, सारा काम यही करने वाला है। तो भाई इसी बंदे से हम डील वगैरह कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बैठ के जो है ना आराम से सिगरेट वगैरह पी रहा, ताकि भाई इसका दिमाग तो चले, माइकल का दिमाग जो है ना सिगरेट के बगैर माइकल काम नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना। गुटखा पच्चीस खाता भाई है, स्मोकिंग करता है, और इसके अलावा बियर वगैरह पिलाओ तो इसको वो भी पी लेता, बट ये ज्यादातर भाई सिगरेट का शौकीन है माइकल, तो सिगरेट वगैरह पी लिया इसका थोड़ा दिमाग खुला है, अब जाके भाई अपना खुले दिमाग सारा काम करने वाला है। तो देखते हैं भाई ये बंदा भी मेरे को ऊपर लेकर जाने वाला है, इसको क्योंकि सारा कुछ लेस्टर ने इसको बताया हुआ कि भाई ऐसे में मेरा बंदा आ गया, सारा काम ये करने वाला है। तो भाई फटाफट से अभी ऊपर जाते हो और अंदर से देखते भाई कैसा खूबसूरत बना हुआ, बाहर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने कंपनी को जो है ना, वो भाई कितना जबरदस्त बनाया हुआ है लोगों, चारों तरफ रूम यानी कि दोनों साइड पे रूम बनाया हुआ, बोलो था प्रोग्रामर, ओ भाई ये भी क्या प्रोग्रामर है ये भाई, ये तो ज्यादा लगी नहीं रहा, कंप्यूटर मास्टर ये भी है भाई, कितने सारे रूम बने हुए यहाँ पर। तो ओ भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी है यार ये तो, ओ भाई यहाँ पे तो गेमिंग पीसी वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, और कैमरे लिफ्ट वगैरह यार इसी कंपनी में बहुत कुछ लगा पड़ा हुआ। देखो भाई ये है यहाँ का जो है ना पीसी रूम वगैरह, जितने भी सारे पीसी है यानी कि कितनी आवाम, देखो यहाँ पर आपके सामने काम कर रही है, उतने सारे पीसी यहाँ पर रखे हैं। तो गाइस ये वो पीसी है जिसके अंदर वायरस आया हुआ, तो इस पीसी का वायरस निकालने के लिए यानी कि कंपनी वालों ने माइकल को बुलाया है, लेस्टर ने कहा माइकल ही आ गया भाई, ये कौन सा वायरस है ये, इसको जल्दी हटाना पड़ेगा भाई, खतरनाक खतरनाक आवाजें आ रही है। तो आवाज सुनो गाइस, आवाज सुनो गाइस, या नॉट सेफ फॉर वर्क हां, फोल्डर वगैरह मैं यूज नहीं कर सकता माय कंप्यूटर वगैरह, तो जल्दी से मैं एंटीवायरस इंस्टॉल करता हूं, क्योंकि जो लेस्टर ने यहां पर फेंका है तो जल्दी से मैं इंस्टॉल कर देता हूं। इसके अंदर गाइस यहां पर मैंने स्टोर कर दिया ताकि इनकी सारी खबर मेरे को मिलते रहे, तो इन लोगों को पता नहीं है। एंटीवायरस निकालने के लिए जो है ना मैंने यहां पर सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल कर दिया, और देखो एंटी एडर इस सॉफ्टवेयर का नाम है एक्सट्रीमेट। तो गाइस यहां पर पूरा गेम का लैपटॉप पूरा इनका क्लियर कर दिया, ये पूरा पीसी अब इनका ओके है। तो देखो यहां से अगर शो करना तो कोई कंपनी इस जगह पे भाई, ओहो अरे अबे क्या हो गया टीम में, अबे इसको क्या हुआ था ये भाई, अचानक क्या हो जाता इसको भाई, ये कौन सा गंदा प्रोग्रामर बना हुआ है, देखो यहाँ पागल वाली हरकतें नहीं जा रही है इसकी सारी झाइल से की। ये बोल रहा रीच द प्रोटोटाइप, ओ गाइस यहाँ पर प्रोटोटाइप यानी कि मोबाइल ढूंढने की बोल रहा, तो सबसे पहले तो मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ यहाँ की कंपनी का। देखो यार डोर पता नहीं खुलता नहीं खुलता, चेक कर लेते हैं इसको, अच्छा है भाई डोर बंद पड़ा हुआ, अंदर मीटिंग चल रही है भाई, सारे बड़े बड़े अफसर बैठे हैं गाइस, इन्हीं के अंदर से कोई ना कोई भाई वो अफसर होने वाला है जो जिसकी कंपनी है, पूरा जो बॉस है गाइस ये वो रूम है जिसके अंदर से, ओ भाई यहाँ पे भी इतने सारे पीसी रखे हुए गाइस, जीरो ब्रीफकेस मिल गया मेरे को, ओ भाई इसके अंदर इसी मोबाइल के अंदर मेरे को गाइस बम फिट करना है, तो फटाफट से गाइस यहाँ पर इसके अंदर बम लगाता हूँ, और अभी कोई देख भी नहीं रहा, कोई आ भी नहीं रहा, जल्दी जल्दी काम नहीं चाहता मैं, चल मेरा भाई, ओहो बम लगा दिया गाइस यहाँ पर, जल्दी से चिट्ठी लगा दी, अब मैं जल्दी से बाहर निकल के जाता हूँ, क्योंकि अब मैं अपना ब्रीफकेस भूल गया यार, एग्जिट द बिल्डिंग। तो गाइस मतलब मिशन हो सकता है यही हो गया भाई, मेरे को अपना ब्रीफकेस को इधर ही रख के जाना हो शायद, कि भाई ये क्या पागल वाली हरकतें कर रहा बेटे बेटे यार, ये किसको क्या हुआ था। तो गाइस जल्दी से भाग भी नहीं सकते यार, कंपनी के अंदर भागने का ऑप्शन ही ना बंद कराओ, क्योंकि कंपनी में बोल रहे हैं शोर वगैरह नहीं होना चाहिए, पता शोर तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन भागना लेकिन रूल्स कंपनी के अंदर लग रहा है नहीं, वरना तो कुत्ते की स्पीड में भागते हुए जाता मैं।
गाइस अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं जल्दी से अपने घर पे जाऊंगा और अपने घर पे जाने के बाद यानी मैं टीवी चलाता हूँ उसके अंदर लाइव शो आ रहा होगा क्योंकि इनकी जो है ना मीटिंग चल रही थी कि भाई शो स्टार्ट करने वाले हैं ये लोग। तो अभी लाइव शो स्टार्ट होने वाला है लाइव इन्वर्टर कंपनी का, तो अभी टीवी के ऊपर जाके देखते हैं। और इसी मोबाइल पे मैं जो है रिंगटोन मारने वाला हूँ, जैसे रिंगटोन मारूंगा तो ये बॉम्ब जो है एकदम जो है फट जाएगा और बंदा जो है किल करने का जो ड्यूटी मिली है वो हो जाएगा। वॉच द कैंटोर कैनॉट अ माइकल हाउस, तो गाइस जल्दी से माइकल हाउस जाते हैं। ओ भाई लेस्टर को हमने कॉल कर लिए, लेस्टर को बता दिया कि भाई हमने सारा काम कर लिया, फटाफट अभी घर पे जाते हैं और उसके बाद देखते क्या चीज है भाई। लेस्टर हट जा भाई, मोटे से मैं जल्दी से जा दूंगा सारी ये चीज के अंदर। अरे जल्दी आ गया भाई, अरे वो अगर ले लिया भूत में आ गया मेरे को भी वो कर रहा तो खुद को हो गया। Now it's just superheroes, romantic comedies and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. However you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it and then we'll talk. And the garage where I'm standing is my own car and the bike is mine. तो भाई सारों के पास जो मैंने सारों को गाड़ियां वगैरह दिला के रखी है पार्टी, आप सभी को पता है यार माइकल अमीर बंदा है, माइकल कोई कंजूस बंदा नहीं है। तो भाई थोड़ा सा मैं आपको घर का विजिट भी करा दूं, मेरे को बाहर के साइड पे अगर मैं जा रहा हूँ ना तो देखो बाहर के साइड पे इसका यानी माइकल अमीर बंदा है, इसलिए थोड़ा सा घर का मैं आपको विजिट करा रहा हूँ ना, कराता नहीं हूँ वरना क्योंकि मैंने काफी दफा कराया हुआ। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह हमने पूरे घर के अंदर अच्छी खासी चीजें हमने लगाई हुई है, अभी मैं इसलिए घुमाना फिरा रहा हूँ कि शो अभी उनका स्टार्ट हो ही रहा होगा कि हमको इतनी जल्दी है भी नहीं, शो आराम से स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं है मेरे को। वैसे भी टीवी जाके देखना है, टीवी का के अंदर कोई मसला नहीं है, चाहो तो मैं ऊपर से भी टीवी देख सकता हूँ क्योंकि पूरे घर में हमारे पास चार टीवी लगे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पर यानी कि जो इस लड़की यानी कि जो इसकी बेटी के रूम में भी एक एलईडी लगी हुई है और इसके अलावा इसका जो बेटा है ना भाई उसके रूम में एलईडी नहीं पूरा एलईडा लगा हुआ एलईडा, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ उसके बाद पूरा गेमिंग रूम है गाइस जी, यहाँ का बाथरूम है ये देखो। और अभी एलईडी का मैं इतने इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ गेमिंग और तेल में भाई भाई ओ बस 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 क्यों गुस्सा हो रहा भाई, क्यों गुस्सा हो रहा है छोड़ो यार इसके लड़के को रूम को। अभी जो है ना शो ऐसा नहीं हो कि भाई बंदा ही भाग गया साला, जो काम करने के लिए हमारा वो काम करने को नहीं मिला, बंदा भाग गया मसला हो जाएगा। तो भाई जी यार अबे तू यहाँ बैठी हुआ तेल में भूत नहीं है, अरे यार टीवी मेरे को दे दे बेटा, तूने बहुत कुछ देख लिया अबे दे दे तेरी में, अबे अबे ये तो रो रही है गाइस माइकल यार बड़ा हरामी है, अपनी बेटी को उठा दिया इसने टीवी देखने के लिए यार। जल्दी से मैं चैनल चेंज करता हूँ, गाइस यहाँ पर लाइव इन्वेडर शो आ चुका है और जेन ओरिस इस कंपनी के यानी के जो बॉस है, इस कंपनी के बॉस का नाम जो है जेन ओरिस है। तो गाइस इस कंपनी के जो बॉस है यानी के सीईओ लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो सी यानी फाउंडर इस कंपनी का जो है ना इसका नंबर मेरे मोबाइल के अंदर सेव हुआ है, यानी जो वो मोबाइल था वो इसी का मोबाइल था। तो गाइस थोड़ा सा शो वगैरह सुनते देखते क्या बात है वगैरह कर रहा है यार ये। Full on weapons grade red alert world domination. Oh, भाई क्या बात बोलिए ताले ना, खुश हो गए आवाम तो। We have put a billion people's private data in the public. भाई न्यूज़ जो चल रही है वही जिन न्यूज़ चल रही है यहाँ पर तो। गाय मारा सारा कुछ तो अभी थोड़ा सा न्यूज़ सुन लूँ उसके बाद मैं भी कार्ड मारूंगा। We have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary. अबे भाई आवाम तो इतनी खुश हो रही है यार, लाइव शो चल रहा है और देखो सारे मजे के अंदर लगे हुए। अबे अबे सीटियां मार रही है तो अबे पागल हो गए, इसकी लगा इसकी स्पीच बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है लोगों को। अबे अबे हाँ सारा चाहिए इसलिए जो कर रहा है ना वो सारे भी करना स्टार्ट हो गए यार, ये सही नहीं लग रहा है कोई भी बंदा, मेरे को सही नहीं लग रहा था। दो नंबर लोग भाई ये रहा वो मोबाइल जिसके अंदर हमने अपनी चिप जो है ना इंस्टॉल करी थी, जिसके अंदर भाई वही मोबाइल है। और अभी जल्दी से मैं कॉल मिलाता हूँ गाइस क्योंकि यही अच्छा मौका है, क्योंकि अभी इसके हाथ में मोबाइल भी है, जल्दी से कॉल मिलाता हूँ भाई, मेरे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर मारना पड़ेगा, चल मेरा जल्दी से आता हूँ भाई। जेन और इसका नंबर कहाँ गया, अच्छा अच्छा हो रहा हो रहा, नजर तो आगे नहीं हम देख लेते, हो सकता है कि बिखरा तो नहीं है कोई। ठीक है गाइस इस नंबर पर कॉल मिलाना पड़ेगा जेन ओरी, तो मैं जल्दी से कॉल मिलाता हूँ गाइस। अभी रिंगटोन बजने वाली है और इस बंदे की आखिरी सांसें गिनने का टाइम आ गया। ओ तेरी मैं उठा ली इसने, ओ तेरी गया। ओ गाइस यहाँ पर बड़ा ही ज्यादा खतरनाक, ओ भाई ओ भाई मीडिया ने कैमरा वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, सिग्नल लॉस्ट होगा
भाई माइकल बड़ा हरामी है यार। भाई माइकल तो हरामी नहीं है, माइकल को जो बोला वो कर दिया, लेकिन लेस्टर बहुत ही ज्यादा हरामी यार। लेस्टर ने क्या दिमाग लड़ाया, बोरा बड़ा कुत्ता दिमाग है लेस्टर का। लेस्टर खुद भी बड़ा कुत्ती चीज है यार ये तो। गाइज ये हमारा मिशन जो पास हो चुका है। गाइज वीडियो चली गई, वीडियो का लाइक। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आने वाली मिशन होंगे वो सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।